तनख्वाह और 28,000 मिले, ये कौन जमा कराएगा? जाहिर है जो चीजें बढ़ी हैं और वो उसमें आपको मालूम है पेट्रोल डीजल वगैरह 100% बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिजली गिराएंगे गिरेगी जुलाई वगैरह वो गिरा दी है इन्होंने, मतलब जिसकी कोई 25,000 रुपए की तनख्वाह है या मतलब आमदन है उसके ऊपर 10-12,000 रुपए का उसको बिल आ रहा है, लोग सड़कों पे आ गए हैं और अभी तो इन्होंने दो और किस्तें देनी है हमें जो इलेक्ट्रिक शॉक की, लोगों की तो कमरे तोड़ दी इन्होंने, घर बर्बाद कर दिए। हम इस वक्त जो पाकिस्तान में माशी कत्ल हो रहा है, जो महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है, जिस तरह बिजली के बिलों का इस वक्त अजाब गिर रहा है लोगों के ऊपर और बेरोजगारी आ रही है आगे सामने हमें नजर आ रहा है, एक बहुत बड़ा रिसेशन, इसकी पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नवीद नहीं मिलती। और जो शख्स ये कहता है कि जी मैंने तो डिफॉल्ट से बचाया, मैंने ये कर दिया, वो झूठ बोलता है। इस नहज पे मुल्क को लाने वाले ये लोग हैं। नाज़रीन, बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ आवाम का एहतजाज रंग लाया। प्राइम मिनिस्टर ने बिजली के बिलों पर आवाम और ताजरों के लिए एक बड़े रिलीफ का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर ने यह ऐलान दौरे कतर के दौरान एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। प्राइम मिनिस्टर ने ताजरों पर फिक्स टैक्स और बिजली के बिलों पर फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज को ख़त्म किया और इस रियायत से 1,71,00,000 सार्फीन मुस्तफीद होंगे, जबकि 3,00,000 ज़रई ट्यूबवेल सार्फीन को भी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कोई रकम नहीं देना पड़ेगी।